हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडनॉलेज क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं, सो आप इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन द वेदर एंड द क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट और वेदर के बीच के डिफरेंसेस को हम लोग यहाँ पर इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पहला डिफरेंस, तो देखिए पहला डिफरेंस जो है आपका डेफिनेशन के फॉर्म में है। ठीक है, ये आपका डेफिनेशन के फॉर्म में है। तो यहाँ पर देखिए, वेदर इज ए डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर एट ए प्लेस। वेदर जो है वो डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर एट ए प्लेस। ठीक है, वेदर जो है वो चेंज होता है। मान लीजिए जैसे सपोज अभी आज धूप उगा है, सनशाइन है, तो अचानक सनशाइन है, फिर क्लाउडी हो गया, क्लाउड आ गया, तो आपका क्लाउड आने से क्या हो जाएगा, मान लीजिए फिर विंड चला, तो वो जो डे टू डे स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर जो चेंज हो रहा है उसको कहते हैं वेदर। ठीक है, जैसे आज हवा चला तो मौसम ठीक है, मौसम कुछ ठंड है, कल अचानक सनशाइन हुआ, कल धूप आया, तो आपको वो गर्मी लगेगा, तो ये क्या है, वेदर है। ठीक है, ये जो आपका स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर है ये इसको कहते हैं हम लोग वेदर। इस कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर को कहते हैं हम लोग वेदर। ठीक है, वेदर जो है वो आपका चेंज होता है, घंटे घंटे भी चेंज होगा। मान लीजिए सपोज आप धूप है, अचानक फिर बारिश हो गई, तो ये क्या है, वेदर चेंज हो रहा है। तो ये आपका कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर वो चेंज हो रहा है, इसी को कहते हैं वेदर। वेदर आपका डे टू डे भी चेंज होगा, आवर टू आवर भी चेंज होगा, या वीक टू वीक भी चेंज होगा। ठीक है, लेकिन क्लाइमेट में क्या है, लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ देखिए, क्लाइमेट इज एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर द लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए। तो जो हम लोग एवरेज वेदर पैटर्न को लेते हैं, एवरेज, उसका कहते हैं हम लोग क्लाइमेट। ठीक है, 25 साल, 30 साल, तो 25 इयर्स, 30 इयर्स या मोर देन 30 इयर्स, इसका जो वेदर पैटर्न है उसका जो एवरेज लेते हैं उसको कहते हैं हम लोग क्लाइमेट। क्लियर है? अब जैसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट मेनली होता है आपका, तीन जोन में बांटे हैं, ट्रॉपिकल, टेम्परेट जोन और एक पोलर जोन। तो ये आपका तीन क्लाइमेट है, सॉरी तीन मेन क्लाइमेट जोन है। ठीक है, तीन क्लाइमेट जोन कौन कौन हो गया, आपका ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन, टेम्परेट क्लाइमेट जोन और पोलर क्लाइमेट जोन। तो ये तीनों जोन में क्या है, अब जैसे ट्रॉपिकल जोन में क्या होगा, ट्रॉपिकल जोन में आपका ज़्यादातर गर्मी होता है। ठीक है, हॉट एंड ह्यूमिड। पोलर में कोल्ड होगा। तो ये सब आपका क्लाइमेट है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। वेदर जो है वेरी ओवर द वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, आप जान सकते हैं, आपको बताया है, आवर टू आवर, घंटे घंटे भी चेंज होगा, या डे टू डे भी चेंज होगा, या वीक टू वीक भी चेंज होगा। ये क्या है, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वेरी करता है। क्लाइमेट क्या करता है, क्लाइमेट वेरी ओवर है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय के लिए क्लाइमेट चेंज करेगा। अब देखिए, अगर हम लोग वेदर की जो स्टडी करेंगे उसको हम लोग कहते हैं मेट्रियोलॉजी, मेट्रियोलॉजी, और क्लाइमेट का जो स्टडी करते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, स्टडी ऑफ वेदर इज कॉल्ड मेट्रियोलॉजी एंड स्टडी ऑफ क्लाइमेट इज कॉल्ड क्लाइमेटोलॉजी। क्लियर है? ये आपका डायग्राम में बताया, यही शॉर्ट टर्म वेदर जो है शॉर्ट टर्म वेरिएशन एटमॉस्फेयर के बारे में बताता है, और क्लाइमेट जो है वो ओवर ए लॉन्ग पीरियड। ठीक है, अगला डिफरेंस देखते हैं, वेदर फॉरकास्टिंग। देखिए, जो मौसम विभाग जो आपको सूचना देता है, तो वेदर फॉरकास्टिंग, मौसम विभाग सूचना कहाँ से देता है, सैटेलाइट से हम लोग कैप्चर करते हैं मूवमेंट ऑफ ओशन। ठीक है, इससे हम लोग को पता चलता है कि अच्छा ये विंड या मूवमेंट ऑफ विंड को जो ऑब्जर्व करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ विंड का डायरेक्शन नॉर्थ की ओर जा रहा है या साउथ की ओर जा रहा है, उसके अनुसार हम लोग वेदर फोरकास्टिंग करते हैं। तो वेदर फोरकास्टिंग इज ऑब्जर्व बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा हम लोग वेदर फोरकास्टिंग को ऑब्जर्व करते हैं। और क्लाइमेट को क्या कहते हैं, क्लाइमेट को कौन प्रिडिक्ट करते हैं, तो क्लाइमेट प्रिडिक्शन सेंटर, क्लाइमेट प्रिडिक्शन सेंटर प्रिडिक्स क्लाइमेट, और वेदर फोरकास्टिंग ऑब्जर्व बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है चेंज इन द वेदर।
कंडीशन कैन बी ऑब्जर्व वेरी फ्रिक्वेंटली। जो वेदर का जो कंडीशन चेंज हो रहा है वो क्या है, वेरी फ्रिक्वेंटली, उसको हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं। आपको एग्जांपल ये था ना, सनशाइन है, ठीक है, सनशाइन है, अचानक बादल आ गया, तो बादल आ गया तुम अब तो देखे सनशाइन तो रहा नहीं, अब फिर अचानक बादल आ गया, फिर वो स्टॉमी हो गया, आंधी चला, तो आंधी चल गया, अगर अचानक बारिश हो जाता तो क्या हो जाए, मौसम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यही हो गया, फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, तो ये कहलाएगा वेदर। तो चेंज इन वेदर इज कंडीशन कैन बी ऑब्जर्व वेरी फ्रिक्वेंटली, लेकिन क्लाइमेट में ऐसा नहीं है, क्लाइमेट में टाइम लगता है, हम लोग लंबे समय तक वो, तो चेंज इन द क्लाइमेट टेक ए लॉन्गर टाइम टू चेंज, ठीक है, बहुत लंबा टाइम लेता है चेंज होने के लिए। फिर है वेदर चेंज है डे आफ्टर डे, ठीक है, ये आपको बता चुके हैं, वेदर जो है वो दिन ब दिन भी चेंज हो सकता है, वीक सप्ताह सप्ताह भी चेंज होगा, या घंटे घंटे भी चेंज होता है, ठीक है, आवर टू आवर भी, ठीक है। लेकिन क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट यूजुअली 25 या 30 ईयर्स, 25 ईयर्स और मोर देन डैट। नेक्स्ट है, ये डायग्राम में आपको सेम इसमें ग्राफ के रूप में समझाया, तो यहाँ देखिए डेज और टेम्परेचर, टेम्परेचर जो वेरी करेगा डे टू डे, इस ग्राफ में यही समझाया, जो टेम्परेचर है आपका दिन ब दिन वो वेरी करेगा, कभी टेम्परेचर हाई हो सकता है, कभी टेम्परेचर सेम भी हो सकता है, अगले दिन टेम्परेचर लो भी होगा, ठीक है, फिर अगले दिन मान लीजिए हाई हो गया, फिर अगले दिन लो, तो ये जो ग्राफ है आपका वेरी करेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। तो वेदर में क्या होता है, टेम्परेचर वेरी करता है, लेकिन क्लाइमेट में क्या होगा, वेरी बहुत लंबे समय बात करेगा, ठीक है। एवरेज वेदर ओवर द मेनी ईयर्स इन वन स्पेसिफिक प्लेस, तो यहाँ देखिए इस ग्राफ में, क्लाइमेट का ग्राफ में टेम्परेचर और ईयर्स, ठीक है, सालों सालों बाद वो क्लाइमेट चेंज करता है। लास्ट डिफरेंस देखिए, अगला डिफरेंस है, वेदर इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर प्रेशर ह्यूमिडिटी क्लाउडिनेस। इसमें बोल रहा है वेदर जो है वो अफेक्ट किसके द्वारा होता है, टेम्परेचर के द्वारा, प्रेशर के द्वारा, ह्यूमिडिटी और क्लाउडिनेस के द्वारा, लेकिन एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट एनी लोकेशन लाइक ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, सनशाइन, विंड एक्सेट्रा अफेक्टेड बाय क्लाइमेट, ठीक है। इसमें क्लाइमेट के द्वारा अफेक्ट कौन कौन होता है, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, सनशाइन, विंड एक्सेट्रा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझिए ठीक से। इसमें ये कह रहा है कि इसमें वेदर जो है, जो वेदर है वो उसको, इस वेदर को अफेक्ट कौन कौन करता है, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, क्लाउडनेस, ठीक है, इसमें वेदर को अफेक्ट कर रहा है, और इसमें क्या कर रहा है, क्लाइमेट अफेक्ट कर रहा है, क्लाइमेट प्रभाव डाला किस पे, टेम्परेचर पर, सनशाइन पर, विंड पे, एक्सेट्रा, ठीक है, ये याद रखिए। यहाँ पे जो टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी है वो आपको वेदर को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, वेदर को अफेक्टेड, वेदर जो अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, अफेक्टेड किसके द्वारा हो रहा है, टेम्परेचर के द्वारा, लेकिन यहाँ पे क्लाइमेट अफेक्ट कर रहा है किसको, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, विंड को, क्लियर है। वेदर जो है खुद अफेक्ट हो रहा है, खुद प्रभाव, खुद जो है वो अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, लेकिन क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट अफेक्ट कर रहा है, यहाँ पे क्लाइमेट अफेक्ट कर रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर, ये अफेक्ट कर रहा है वेदर को, लेकिन यहाँ पे क्लाइमेट अफेक्ट कर रहा है टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटीज को, ठीक है, क्लियर है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ग्राफ दिखा रहा है, ये आपका बहुत पहले से लेकर अब तक का ग्राफ है, जिसमें ये बताया गया जो एनिमल मीन लैंड टेम्परेचर है वो कितना चेंजेज हुआ पहले से, और ठीक है पहले क्या था और अब क्या है। तो यहाँ देखिए पहले -1.5 डिग्री एक एवरेज दिया गया, ये मान लीजिए मीन आपका लैंड टेम्परेचर है, और उससे बिलो, देखिए पहले जो मीन लिए हैं उससे पहले बिलो क्या था, -1.5, 1800 के आसपास, 1850 के आसपास, और देखिए 1900 AD में क्या हो गया, ये आपका ग्राफ कम होता गया,
1950 के बाद जो है वो टेम्परेचर यहाँ पर राइज करना शुरू हो गया। आज यहाँ पर देखिए 1.4 डिग्री सेल्सियस जो आपका मेन लैंड टेम्परेचर वो इंक्रीज कर गया है। सो ये आपका ग्राफ था, तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन द वेदर एंड द क्लाइमेट। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। सो कीप स्माइलिंग। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।